राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रोड टू रेसलमेनिया हैड जस्ट बिगिंस। अब देखिए, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं द रॉक के बारे में, और रॉक का शेड्यूल निकल के सामने आ रहा है। बिकॉज रोमन रेंज का शेड्यूल ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, लेकिन अब फाइनली रॉक का शेड्यूल के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, रॉक का शेड्यूल कुछ ऐसा है कि इस साल रॉक आपको नजर आने वाले हैं। जी हाँ, रॉक का एक मैच रेसलमेनिया में होने वाला है एज अ टैग टीम मैच, लेकिन इसके बाद भी रॉक कम्पीट करेंगे। जी हाँ, अभी कन्फर्म न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये खाली रूमर उठ के आता है। और रूमर क्यों उठ के आता है? बिकॉज आई थिंक रॉक से बात करी जाती है बैक स्टेज या फिर बोर्ड में, दिस इज व्हाई। सो बता दें दोस्तों, रॉक का जो अगला मैच है आपको रेसलमेनिया में, मतलब अगला क्या, पहला ही मैच है इतने सालों बाद, तो रॉक का पहला मैच आपको क्लियर कट है आफ्टर रिटर्निंग। रेसलमेनिया 40 में टैग टीम मैच है, रोमन की सपोर्ट में है वो। लेकिन इसके बाद आई थिंक एक चीज़ मानी जा रही है, समर स्लैम में तो रॉक का कोई मैच होने वाला नहीं है। बिकॉज समर स्लैम तो रॉक मूवी की शूट में है, एंड देन उसके बाद रॉक का एक मैच होगा, वो हो सकता है कि सऊदी अरेबिया में हो जाए। बिल्कुल वहाँ पर आई थिंक समझ सकते हो कि कितना पैसा मिलता है डब्ल्यू कंपनी को, इवन रसल मीडिया से भी ज़्यादा पैसा वहाँ पर डब्ल्यू कंपनी छापती है, सोचो। सो आई थिंक वहाँ पर रॉक के रूमर काफ़ी ज़्यादा है। और एक और मैच है, जी हाँ एक और मैच है जो रॉक का होगा बिफोर रोमन रेंज के साथ फेस ऑफ। जी हाँ, रॉक के तीन मैचेस हैं टोटल, एक रसल मीडिया में होगा, एक सऊदी में होगा, एंड आई थिंक एक रॉयल रंबल में हो सकता है या कोई इंटरनेशनल इवेंट में हो सकता है। लेकिन उसका बाद जो फाइनल मैच है वो रेसलमेनिया 41 में होगा अगेंस्ट रोमन रेंग्स। जी हाँ, रॉक वर्सेस रोमन रेंग्स रेसलमेनिया 41 में कंफर्म मान लीजिए नेक्स्ट ईयर सिंगल मैच। लेकिन उससे पहले रॉक के दो मैचेस और होंगे, अब शायद वो सऊदी में हो सकते हैं, क्लियर कट वहाँ कंफर्म माना जा रहा है, या फिर एज अ रॉयल रंबल में हो सकता है किसी के साथ, लेकिन रोमन के साथ नहीं होगा। ये रोमन के साथ मल्टीपल मैचेस नहीं है, कहीं आप सोच रहे हो भाई साहब रोमन इसके साथ एक दो तीन मैचेस तो नहीं होंगे, नहीं होने वाला ऐसा। रोमन के साथ एक ही मैच होगा रेसलमेनिया 41 में, लेकिन उससे पहले रॉक कम्पीट कर सकते हैं। आई थिंक वो किसी सुपरस्टार के अगेंस्ट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं है। बिकॉज अगर मैं अपने प्रिडिक्ट बताऊं कि मैं क्या मानता हूं इस बारे में, तो भाई साहब मुझे यकीन नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, मेरा मानना है कि रॉक का एक मैच तो रेसलमेनिया 41 में हो रहा है, टैग टीम मैच रेसलमेनिया 40 में, सॉरी। और रॉक का जो अगला लास्ट मैच होगा वो रेसलमेनिया 41 में ही होगा अगेंस्ट रोमन रेंग्स। अब बीच में जो रूमर उठ के आ रहा है कि सऊदी में होगा, रॉयल रंबल में होगा, मुझे लगता नहीं यार। रॉक इंटरफेरेंस हो सकता है रॉक का, मतलब रॉक अटैक कर सकता है आगे, लेकिन एक प्रॉपर मैच उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, मैं सब क्लियर कट बोल रहा हूँ। सो दोस्तों, यदि उम्मीद ये थी आज की वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रोड टू रेसलमेनिया हैड जस्ट बिगिंस। सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब, सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे पता लग जाता है आप सब्सक्राइब करते हो या नहीं। धोखा मत देना अपने भाई को, कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब मार लीजिए अभी, एंड वीडियो को पूरी देखिएगा। एंड वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल, राम राम, अपना और अपने माँ बाप का ध्यान रखिए दोस्तों। सी यू टुमारो गाइस।